नमस्कार, वेलकम टू जयपुर वॉइस। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान की राजनीतिक खबरों के लिए जयपुर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसकी शुरुआत होगी 1 दिसंबर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा भी लगभग 3 से 4 तारीख के लगभग राजस्थान में प्रवेश करेगी, और 2 हफ्ते तक जन आक्रोश यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जाएगी। यानी कि दोनों जो यात्राएं हैं वो लगभग लगभग एक ही समय पर हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के समय पर ये जो यात्रा रखी गई है, बीजेपी के मुद्दे हैं राजस्थान सरकार के खिलाफ, कई मुद्दे हैं, प्रशासन है और कानून व्यवस्था है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी अपनी जो यात्रा निकाल रही है, इसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे अपने इस जो सारा का सारा जो अपनी इस यात्रा में चिन्हित किए हैं। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा पूरे भारत में निकाली जा रही है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, उसमें पहले जो एक बैनर बनाया गया था, वह उसमें सिर्फ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दो का ही फोटो था। लेकिन बाद में कुछ जिस तरीके से खबरें आई और जिस तरीके से अंदर जो सारी बातें चली, उसके बाद 3 और जो फोटोज हैं वो उस बैनर में ऐड कर दी गई, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया और जो नेता प्रतिपक्ष हैं लालचंद कटारिया और वसुंधरा राजे, जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वसुंधरा राजे के ऐड होने के बाद और सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया, 3 जो नेता हैं उनका इसमें फोटो डाला गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े शीर्ष नेता हैं राजेंद्र राठौड़, जो कि 7 बार विधायक है, वहीं जो दूसरे बड़े सीनियर लीडर हैं और 2 बार से केंद्र में मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों का फोटो इसमें नहीं है। जिसके बाद इनके समर्थक और जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज आ रही हैं, कि बहुत से लोग अचंभित हैं और नाराज भी हैं। लेकिन जब गजेंद्र सिंह शेखावत से जोधपुर में जब जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, तब उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी जो फोटो है वो इस जो यात्रा है उसके बैनर में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं फोटो की राजनीति नहीं करता। उन्होंने कहा कि फोटो हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अपने प्रधानमंत्री के लिए कि अगर उनकी एक फोटो ही काफी है, बाकी जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब, वो जो फोटो है, एक जो फोटो है प्रधानमंत्री की, वो सभी पर भारी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी फोटो है तो वो सबसे ज्यादा सफिशिएंट है। उन्होंने कहा कि फोटो होना नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं ऐसी कोई राजनीति करता भी नहीं हूं फोटो वाली। तो उन्होंने इस बात का एक तरीके से जवाब दिया और कहा कि उन्हें इस तरीके की फोटो होना नहीं होना इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर लगातार जो लोग यही कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं की भी इस बैनर में फोटो होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं दोनों बड़े ही कद्दावर नेता हैं, और जो इनके चाहने वाले, इनके समर्थक जो ये मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से काफ़ी सूझबूझ और सोच समझ के साथ जो ये एक तरीके से फोटोज 3 लगाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये फोटोज लगाई गई हैं और भी कई जैसे सीनियर लीडर हैं उनकी भी फोटो की लोग मांग उठा रहे थे कि कम से कम 7 से 8 नेता की फोटो तो होनी चाहिए थी, या फिर जो 2 प्रमुख नेता हैं राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी फोटो की तो लोग मांग कर ही रहे थे। लोग अचंभित हैं कि बैनर में क्यों जगह नहीं देगी, लेकिन एक जिस तरीके से बहुत ही दिमाग इसके अंदर यूज किया गया, बहुत ही सोच समझ के, और ये जो फोटोज लगाई गई हैं, और अब आने वाले वक्त में जो जन आक्रोश यात्रा है वो 1 तारीख से निकलेगी, और 1 तारीख से ये यात्रा निकल कर लगभग 2 वीक के आसपास राजस्थान के जगह जगह पर ये जाएंगी, और रथ यात्रा 1 तरीके से निकलेगी, जगह जगह चौपाल होंगी, जनसभाएं होंगी, और राजस्थान सरकार के खिलाफ ये सारी जो यात्रा का जो जिम्मा है और जो सारा सिस्टम है उसको लेकर अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाए गए हैं, और इन चौपाल में, जनसभाओं में जो राजस्थान सरकार के खिलाफ ये जो बीजेपी द्वारा यात्रा निकाली जा रही है उसमें जनसभाओं में उनकी नीतियों के बारे में बात करी जाएगी, जो उनकी जितनी भी सारी प्रणालियाँ हैं, जो सारी अभी जिस तरीके से उन्होंने कोई भी अगर
नया सिस्टम कोई बनाया है या उसके बारे में कोई आने वाली कोई उनकी जो नीति है उस बारे में कोई घोषणा करने वाले हैं, तो सारी चीजों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, तो दोनों यात्राएं एक समय राजस्थान में होंगी। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में, इस बारे में कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।